मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू एक्सरसाइज में जो ये वाले क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिकी हैं थोड़े से, ठीक है, थोड़े से ट्रिक की बेस से सोल्व होते हैं। देखें अब डिवाइड हमने करना है। अगर आपने मेरी वो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ना सुना तो आप कोशिश ये करें कि पहले उठे जाओ फिर इधर आओ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वेयर रूट इधर क्या आ जाएगा 6693 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1233, ठीक है। हम दो दो वैल्यूज को काउंट करते थे, अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 66 और बच्चों बाहर क्या पड़ा हुआ है 33, ठीक है। अब हमें 66 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 33। अगर हम 33 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 66। लो जी कहानी यहाँ पे थोड़ी सी सोल्व हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 66। ओ हाय, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम एक वैल्यू तो ड्रॉप करते हैं ना, लेकिन जब हम एक और वैल्यू ड्रॉप करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ऊपर 0 लगाएंगे। हाँ जी हाँ सुटो अच्छे, इधर क्या आ जाएगा 0 और एक और वैल्यू को ड्रॉप करते हैं। अब हमें चाहिए बेसिकली 69 से छोटी वैल्यू, तो अगर हम इसी को कैरी कर लें, वाह 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 वाह, आ हा हा, पूरा टेबल ही नहीं बनाना नहीं पड़ा। इधर क्या आ जाएगा 66, इधर क्या आ जाएगा 3, एक वैल्यू को ड्रॉप किया 31 द 33 1 द 33, ले जी आंसर भी आ गया। ओ वाह 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 वाह, इधर क्या आ जाएगा 66693 डिवाइडेड बाय 33, आंसर इज ओहो 2021 जो चल रहा है, आ हा हा सुबहान अल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा 35788, इधर क्या आ जाएगा 42। लो जी फुहारा डलने लगा, काम तो करना है, काम तो करना है हमने। तो हम ऐसा करते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 1, 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 42 मल्टीप्लाई बाय 4, 42 मल्टीप्लाई बाय 5, 42 मल्टीप्लाई बाय 6, 42 मल्टीप्लाई बाय 7, 42 इधर आ जाएगा बच्चों 42 मल्टीप्लाई बाय 8, 42 मल्टीप्लाई बाय 9। लें जी 9 तक, अगर अब आपको टेबल तो आते ही नहीं ना होंगे बनाने, वो तो बनाना सीखो, फिर आपने जब 9th 10th में जाना ना तो आपने कहना है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अभी मैं जब आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि यार मेरे साथ कुछ करो, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके फीसें दे रही हैं, ठीक है, और फिर आप ड्रामों में लगे हुए हो, है तेरे कुट खाने वाले काम, ठीक है, तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि यार तुसी भी कुछ करो, ठीक है। अब देखिए टेबल बनाते हैं, 42 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब देखिए इधर है 35 और इधर है 42, लेकिन अब तीन वैल्यू के नियरेस्ट जाना है, मैं तुक्का तो लगा नहीं सकता, तो हम जैनमन तरीके से बनाते हैं। 42 को मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 4 5, 42 को अगर मैं बच्चों 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को मैं अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। लो जी ये मैं बना रहा हूँ, तुसी नहीं कुछ बनाते पे, अभी मैं बना रहा हूँ लेकिन आपने भी बनाना है। 2 2 द 4 4 2 द 8, 3 2 द 6, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 4 द 16, 5 4 द 5 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 4 द 20 21 आ गया, 6 2 द 12, 1 कैरी, 6 4 द 24 25 आ गया, 7 2 द 14, 1 कैरी, 7 4 द 28 29 आ गया, 8 2 द 16, 16 32 हो जाएगा, है ना, ओके। ये देखे ना 8 2 द 16, 1 कैरी हो गया ना, 8 3 8 16 16 32 और 33 हो गया, 9 2 द 9 1 द 9 2 द 18, 1 कैरी, 9 9 8
तीन अठा छत्तीस, यहाँ पे हो जाएगा ये लें जी 378। टेबल लिख लेते एल, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? कुछ क्या किया मैंने, कुछ जादू किया कोई? मेरे पास यहाँ पे पड़ियों की रानी, कोई जिन के शहजादे आए हुए थे, मैंने भी तो अपनी माइंड को यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट किया। अब टेबल मैं लिख लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे किसकी जगह पे क्या लगाना है। इधर आ जाएगा 84, इधर आ जाएगा 126, इधर आ जाएगा 168, इधर आ जाएगा 210, इधर क्या आ जाएगा 252, इधर क्या आ जाएगा 294, इधर क्या आ जाएगा 336, इधर क्या आ जाएगा 378। लो मैंने क्या किया, मुझे आता ही नहीं था, क्या मुझे 42 का टेबल आता है, मैंने बना दिया। अब देखो, अब मैंने इन तीन वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अब मुझे चाहिए, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम 8 को यूज़ कर सकते हैं। 8 में क्या आएगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 336, ठीक है। 7 में से 6 निकाले बाकी बच गया 1, 5 में से 3 निकाले बाकी बच गया 2, और एक वैल्यू इधर से ड्रॉप की। अब 218 से छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 218 से नीचे 210, इधर आ जाएगा बच्चों 5 और इधर आ जाएगा 210, ठीक है। अब इधर से आ जाएगा 8 और इधर से भी आ जाएगा 8। अब देखो क्या यहाँ पे हैं हम, 488 से कोई छोटी वैल्यू है आपके पास, 88 मुझे तो 1 ही नज़र आ रहा है, नहीं 42 इधर आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा फिर 84, बाकी क्या बच गया बच्चों 4, ठीक है। अब देखें, अब पूरा पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम क्या कह देते हैं बच्चों, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आया ना वो क्या आया 852, और जो बच्चों यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आया ना वो क्या आया है 4। सी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये हो गया बी वाला और ये हो गया सी वाला, ठीक है। अब सी वाले पार्ट में देखें क्या है, इधर क्या है 25111 और इधर क्या है 69, बात वही आ गई दोबारा, फिर क्या रोना पै गया, टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब टेबल हम कैसे बनाएंगे, 69 मल्टीप्लाई बाय 1, 69 मल्टीप्लाई बाय 2, 69 मल्टीप्लाई बाय 3, 69 मल्टीप्लाई बाय 4, 69 मल्टीप्लाई बाय 5, 69 मल्टीप्लाई बाय 6, 69 मल्टीप्लाई बाय 7, 69 मल्टीप्लाई बाय 8, 69 मल्टीप्लाई बाय 9। लो जी एना तक लिख लो, इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखो इधर 69 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर क्या आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 4, 69 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 6, 69 मल्टीप्लाई बाय 7, इधर क्या आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाय 8, 69 मल्टीप्लाई बाय 9। यार ये आपकी ना कॉमन सेंस को शार्प करेगा, ठीक है। आपकी कॉमन सेंस का आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। अब देखें इधर क्या आ जाएगा 9 2 18 1 कैरी 6 2 1। ले जी ये मैंने आपके लिए टेबल क्रिएट भी कर दी और यहाँ पे टेबल लिख भी दिए। अब 69 को मैं क्या करूँ, 25 तो बहुत छोटी वैल्यू, तो इन तीनों को देखता हूँ 251 से छोटी वैल्यू क्या है, 251 से छोटी वैल्यू ये देखें, 251 से छोटी वैल्यू 3 पे है, तो इधर क्या आ जाएगी 207, ठीक है। अब 1 कैरी इधर लेते हैं, इधर आ जाएगा 411 में से 8 9 10 11, 4 इधर आ जाएगा, माइनस करना है ना, 4 में से माइनस किया 04 और 1 इधर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 441 से छोटी वैल्यू ये 6 पे है, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 414, तो हमारे पास फिर यहाँ से 1 कैरी लिए, इधर आ जाएगा 3 5 6 7 8 9 10 11, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1 271, और 1 हमने ड्रॉप कर लिया जो लास्ट में था। 271 से छोटी वैल्यू ये 3 पे है, तो इधर क्या आ जाएगा 207, आंसर क्या आ जाएगा 1, इधर कैरी लिया तो 11 8 9 10 11 4, और इधर आ जाएगा 64, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे है 69 और यहाँ पे है 64, तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहीं पे एंड कर दें, यहाँ पे लिख दें आप क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या आ गया, जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं 363, और बच्चों आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, कि आया 64,
लें जी। यहां पर बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो मेरा ख्याल है कौन सा चल रहा है, 6 वाला। लें जी, 6 वाले क्वेश्चन की तरफ जो हमारी रेलगाड़ी है वो कंटिन्यू है। वो क्या कह रहे हैं, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखें, बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा हम स्केयर रूट के नीचे और छोटी वाली वैल्यू को 1000। अब देखें ये क्या है 1000 और ये अंदर क्या है 28000। ठीक है, तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि अगर तो हम इसे पूरा पूरा भी वैसे डिवाइड हो सकता है, लेकिन चलें छोटी छोटी टेबल्स पे डिवाइड करते हैं। अब हम ना तो दो टेबल्स ना तो दो नंबर्स काउंट कर सकते हैं ना तीन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर चार है तो अंदर से भी हम 4 ही नंबर काउंट करेंगे। तो 2800 है, 2800 से जो छोटी वैल्यू है यानी कि 1000 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000, 1000 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या आ जाएगा 2000। लो जी, तो 2800 को हमने सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो इधर ये आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 008, 1 कैरी को ड्रॉप किया तो 800, तो 1000 को मैं 8 के साथ डायरेक्टली करता हूँ तो बच्चों ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन। आगे देखिए, आगे क्या है 58580 और बाहर क्या बड़ा हुआ 10, 10 का टेबल बना लो अगर बनाना है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशाल्लाह से स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो हमेशा से उनकी यही कोशिश होती है कि यार तुसी कर दियो सारा काम, मैं सिर्फ खाने से बैठा आवा। इधर क्या आ जाएगा 80, इधर क्या आ जाएगा 70, इधर आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 90। ठीक है, मेहनत नहीं ऐसी करांगे, हम सिर्फ देखेंगे और मज़ा लेंगे, आहा जिसे फिल्म लगी ये। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, इधर टू वैल्यू जनरेट भी टू वैल्यू, 58 से छोटी वैल्यू क्या है 5, 10 5 दा 50। ठीक है, 5 में से 8 में से 0 माइनस किया तो 8 और इधर आ जाएगा 85। 1 कैरी ड्रॉप किया ना, यहाँ से 1 नंबर ड्रॉप कर लिया, 10 8 दा 80, फिर 5, फिर इधर से 1 कैरी किया यानी कि 1 ड्रॉप किया, 10 5 दा 50, फिर 8 और लास्ट में 0 8 और इधर बच्चों आ जाएगा 8। लो जी, आसान से सवाल है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास अंदर क्या बड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है 28104 और बाहर बच्चों आपके पास क्या है 28। ओहो, बाहर भी 28 अंदर भी 28, 28 1 दा 28, ठीक है 0 बच गया, इधर से 1 कैरी किया, ओहो छोटी वैल्यू आ गई यार, ये तो मसला हो गया, अब क्या करें दसो, उतों ही दस दौ हाँ? एक और, अच्छा एक और वैल्यू ड्रॉप करते हैं, लेकिन फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर छोटी वैल्यू आ गई, फिर छोटी वैल्यू आ गई, फिर क्या करें, क्या एक और, ओहो वाह 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 सुभान अल्लाह, एक और वैल्यू को हम फिर ड्रॉप कर लेते हैं लेकिन ऊपर 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब हुआ हिसाब बराबर, अंदर बड़ी वैल्यू आ गई बाहर छोटी वैल्यू आ गई, तो क्या करते हैं 28 का, लो जी टेबल बनाओ, 104 से लेके आते हैं छोटी वैल्यू, इधर मेरा है 3 तक ही बना लेते हैं। ठीक है, 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 82 दा 16, 1 कैरी 2 टू दा 4 5, इधर आ जाएगा 56, इधर क्या आएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 83 दा 24, 2 कैरी 3 टू दा 6 8, 84, 28 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ, चेक करते हैं ज़रा उससे बड़ी ना उससे छोटी ना आ जाए, 84 दा 16 16 2 3 कैरी 4 टू द 8 9 10 11। लो जी, ये तो बड़ी निकल गई, तो 3 पे करते हैं, 3 पे क्या आया 84, माइनस करना है 4 में से 4 गया 0, 1 कैरी इधर आ गया, इधर आ जाएगा 20। लें जी, यहाँ पे बच्चों आपके पास जो कोशंट आया है ना, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया उसको कहते हैं कोशंट, और जो बच्चों आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आया ना वो आया 20। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 6।